नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सीडीपी जो सेक्शन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो उससे जुड़े हुए 30 ऐसे क्वेश्चन करने हैं, 30 क्वेश्चन करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आया हुआ क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसीलिए हमारे कमिंग एग्ज़ाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हमें ये पता चलता है आने वाले एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा और हमें किस लेवल की तैयारी करना है। तो आइए हम लोग आज पूरा करते हैं 30 क्वेश्चन, और इसमें एक क्वेश्चन के लिए आपके पास जो टाइमिंग रहेगा वो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। 60 सेकंड के अंदर ही आपको जवाब देना है और प्रयास ये करना है कि जवाब बिल्कुल सही हो। देखिए, एग्ज़ाम यदि आपको पास करना है तो दो चीज़ आप हमेशा याद रखिए। पहला, स्पीड, आपका स्पीड भी अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब सही सही करना। दोनों यदि आपका बैलेंस्ड है तो किसी भी एग्ज़ाम में जाइए, आप पक्का रिजल्ट मिलेगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने स्क्रीन पर। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1, विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर 2, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। और ऑप्शन नंबर 3, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। और ऑप्शन नंबर 4, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। इसमें से कोई एक जवाब बिल्कुल सही है, वो जवाब हमें ढूंढना है। याद रखिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों आपका सही होना चाहिए। स्पीड भी मतलब हम जल्दी जल्दी करें और सही करें, दोनों बात होना चाहिए। इसमें सही जवाब ढूंढना आपको, चार में से कोई एक बिल्कुल सही है, वो कौन सा जवाब है वो ढूंढना आपको। पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कोई एक सही है, वो सही जवाब ढूंढना हमें। चलिए मैं बताता हूँ आपको, सही जवाब इसका है तीसरा नंबर, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ, पहला ऑप्शन, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। दूसरा, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। तीसरा, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। चौथा, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। इसमें से आपको सही जवाब ढूंढना है, इसमें सही जवाब कौन सा है। क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ, पहला ऑप्शन, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। दूसरा ऑप्शन, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। तीसरा ऑप्शन, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। और चौथा ऑप्शन, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। सही जवाब आपको ढूंढना है, जो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें चार ऑप्शन हमने लिया, अभी ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। इस चार में से कोई एक सही है और उसी सही जवाब तक हमें पहुँचना है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, कोई एक सही है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब है पहला, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। पहला, समूह की पहचान का। दूसरा, समूह की आज्ञाकारिता का। और तीसरा जो ऑप्शन है, समूह निर्देश अनुपालन का। चौथा है, समूह की अनुरूपता का। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, चार में से कोई एक सही है, समूह की पहचान का, या फिर समूह आज्ञाकारिता का, या फिर समूह निर्देश अनुपालन का, या समूह की अनुरूपता का। सही जवाब ढूंढना आपको इसमें से। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं तो अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कौन सा सही जवाब है ये ढूंढना आपको। समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का,
समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। सही जवाब ढूंढना आपको इसमें से। तीसरा का जो सही जवाब है वो है चौथा नंबर, यानी कि समूह की अनुरूपता का। क्वेश्चन नंबर चार, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। पहला संवेदी गामक, दूसरा पूर्व परिचालन, तीसरा मूर्त परिचालन, और चौथा जवाब जो आ रहा है ये है औपचारिक परिचालन। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से आपको पढ़ा देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। पहला संवेदी गामक, दूसरा पूर्व परिचालन, तीसरा मूर्त परिचालन, चौथा औपचारिक परिचालन। कोई एक जो इसमें आंसर है बिल्कुल सही है, और उस आंसर तक हमें पहुंचना है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 कोई एक सही जवाब है और वहां तक हमें पहुंचना है। चलिए मैं बताता हूं सही जवाब इसका क्या है। चौथा का जो इसमें पहला जो ऑप्शन है सही है, संवेदी गामक। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। पहला विशेष शिक्षा कार्यक्रम, दूसरा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, तीसरा मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, और चौथा ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। इसमें से सही जवाब ढूंढना आपको कि कौन सा जवाब सही है, और प्रयास ये कीजिए कि जिस तरह से मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मेरे साथ साथ रीड करिए। उसके बाद क्या होगा, आपको टाइमिंग बच जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार मैं रीड करूँ उसके बाद आप रीड करो फिर टाइम इसमें ख़राब होगा आपका। मेरे साथ ही चलिए, जैसे मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ आप भी क्वेश्चन रीड करिए, जैसे मैं ऑप्शन रीड कर रहा हूँ आप भी ऑप्शन रीड करिए, और उसके बाद आंसर ढूंढिए। और यदि क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ पा रहे हैं तो आंसर भी आपको बड़े आराम से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है यह है दूसरा, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब छठा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। पहला ऑप्शन 12 से 18, दूसरा 18 से 24, तीसरा 24 से 30, और चौथा ऑप्शन 30 से 36। मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कराता हूँ, क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन आपके इसमें 4 दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 12 से 18, उसके बाद 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36। सही जवाब इसमें ढूंढना आपको, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी कर रहे हैं। तो 6 का जो सही जवाब आ रहा है यह है दूसरा, 18 से 24 महीनों की आयु के बीच। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग करने वाले हैं, आप साथ साथ क्वेश्चन रीड करिए ताकि आपका टाइमिंग भी बच जाए। अब क्वेश्चन देखिए ये सामने आपके स्क्रीन पर जो है यह है, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी। पहला ऑप्शन गैल्टन के द्वारा, दूसरा बीने के द्वारा, तीसरा एस्टर्न के द्वारा, चौथा टर्मन के द्वारा। इसमें सही जवाब ढूंढना आपको, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है तीसरा, एस्टर्न के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अब। ये क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कुछ है, सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 8, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। पहला द्रव्य बौद्धिकता, दूसरा रवादार बौद्धिकता, तीसरा अभिसृत सोच, और चौथा ऑप्शन है इसका विविध सोच। क्वेश्चन मैं फिर से आपको रिपीट कराता हूँ, ये है क्वेश्चन, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। पहला ऑप्शन द्रव्य बौद्धिकता, दूसरा रवादार बौद्धिकता, तीसरा अभिसृत सोच, और चौथा क्वेश्चन ऑप्शन जो है यह है विविध सोच। इसमें से सही जवाब जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा नंबर, यानी कि विविध सोच। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। पहला ऑप्शन ध्वनि संबंधी, दूसरा व्याकरणिक, तीसरा वाक्यात्मक,
और चौथा है आपका विभक्ति विषयक। इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। क्वेश्चन आपको मैं फिर से एक बार रीड कराता हूँ। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। अब आपको इसमें से सही जवाब ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या आएगा वो देखते हैं। इसका सही जवाब आ रहा पहला, ध्वनि संबंधी। क्वेश्चन नंबर 10, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, पहला संस्कृति प्रभावित, दूसरा भाषा निर्धारित, तीसरा संज्ञानात्मक पक्ष, चौथा सामाजिक भाषाई उद्धृत। सही जवाब ढूंढना इसमें से आपको। क्वेश्चन में का फिर से मैं रिपीट कराता हूँ। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, पहला संस्कृति प्रभावित, दूसरा भाषा निर्धारित, तीसरा संज्ञानात्मक पक्ष, चौथा सामाजिक भाषाई उद्धृत। इसका जो सही जवाब आ रहा है 10वां क्वेश्चन का, ये है दूसरा सही जवाब, यानी कि भाषा निर्धारित। क्वेश्चन नंबर 11, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है डैश, पहला ऑप्शन अंतर्दृष्टि का, दूसरा कलन विधि का, तीसरा मानसिक दृढ़ता का और चौथा अनुमानी विधि का। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कराता हूँ। ये देखो क्वेश्चन है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है, पहला ऑप्शन अंतर्दृष्टि का, दूसरा ऑप्शन कलन विधि का, तीसरा ऑप्शन मानसिक दृढ़ता का और चौथा अनुमानी विधि का। इसका सही जवाब 4 में से कोई एक है, 11 नंबर का, और इसका सही जवाब आ रहा है चौथा नंबर, यानी कि ये चौथा नंबर यानी कि अनुमानी विधि का। अब क्वेश्चन नंबर 12, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है, पहला ऑप्शन कम करने की विधि का, दूसरा ऑप्शन द्वितीयक विस्तारण विधि का, तीसरा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, चौथा क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब आ रहा तीसरा नंबर, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि पहला लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, दूसरा लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, तीसरा लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, चौथा लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। चार ऑप्शन दिया हुआ इसमें ढूंढना आपको। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, कौन सा सही है आपको बताना ही है। इसका सही जवाब आ रहा है चौथा, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों डैश के कुछ उदाहरण है, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, तीसरा आलेख पत्र यानी कि रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, चौथा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। इसमें से सही कौन सा है ये देखना है। क्वेश्चन नंबर फिर से देख लीजिए, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों की डैश के कुछ उदाहरण है, ऑप्शन 4 यहाँ दिया हुआ है, इस 4 में से कोई एक सही है वो ढूंढना आपको। क्वेश्चन नंबर 14, सही जवाब इसका है चौथा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, ऑप्शन नंबर 1 अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, ऑप्शन नंबर 3 कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में,
ऑप्शन नंबर चार, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। चार ऑप्शन आपके पास है, इसमें से कोई एक सही है, वो सही जवाब आपको ढूंढना है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। चार ऑप्शन आपके पास है, एक, दो, तीन, चार, इसमें से सही जवाब ढूंढना आपको। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग चल रहे हैं अभी, 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 का जो सही जवाब आ रहा है यह है दूसरा नंबर, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन सामाजिक संतुलन, दूसरा समता एवं समान अवसर, तीसरा सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, चौथा विश्व बंधुता। सही जवाब ढूंढना आपको 16 का सही जवाब, यानी कि डैश के जगह पर क्या आएगा ये ढूंढना आपको। सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अधिकार अवसर, तीसरा सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, चौथा विश्व बंधुता। 16 का सही जवाब जो आ रहा है यह है दूसरा, समता एवं समान अवसर। क्वेश्चन नंबर 17, दिव्यांगजन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है 1992, 1995, 1999 और 2016, कोई एक सही है जो कि आपको ढूंढना है। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है 92, 95, 99, 2016, सही जवाब कौन सा है ये ढूंढना आपको। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं अभी 17। का जो सही जवाब आ रहा है इसमें से कोई एक सही है, 92, 95, 99, 2016, तो इसका जो सही जवाब आ रहा है चौथा, यानी कि 2016। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, पहला ऑप्शन व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें, दूसरा विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, तीसरा विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, चौथा बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। चार ऑप्शन दिया गया है, कोई एक सही है वो सही हमको ढूंढना है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, चार ऑप्शन है आपके पास, एक कोई सही है उस सही जवाब तक आपको पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं अभी 18, 18 क्वेश्चन का सही जवाब ढूंढना आपको, इसका सही जवाब क्या होगा वो ढूंढना है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, तो 18 के देखिए सही जवाब आ रहा है ये दूसरा नंबर है, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। क्वेश्चन नंबर 19, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। पहला ऑप्शन 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, दूसरा ऑप्शन 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, तीसरा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, और चौथा 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। सही जवाब ढूंढना है, चार ऑप्शन आपने देख लिया, क्वेश्चन एक बार आप और देख लो। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, चार ऑप्शन है इसमें से ढूंढना है आपको। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं अभी 19 का सही जवाब ढूंढना आपको, और ये जो सही जवाब आ रहा है ये है पहला, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, विभिन्न अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। पहला सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, दूसरा शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, तीसरा शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, चौथा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। इसमें से ढूंढना आपको सही जवाब। क्वेश्चन में फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन,
विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। अभी चार ऑप्शन है आपके पास, ये बताना है सही जवाब इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं अभी 20 यानी कि 20। 20 का सही जवाब आ रहा चौथा नंबर, और ये है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 21 स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि, डैश में अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीकरण, 2 संज्ञान बोध, चौथा संज्ञान, पांचवा समायोजन। चार ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने है। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि, डैश में अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब ढूंढना आपको, और यह सही जवाब जो है दूसरा, संज्ञान बोध। क्वेश्चन नंबर 22, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। पहला प्रतिक्रियावादी सोच, दूसरा सृजनात्मक सोच, तीसरा अमूर्त सोच, चौथा मूर्त सोच। चार ऑप्शन आपने देख लिया, क्वेश्चन भी एक बार दोबारा देख लो आप। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच, कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग कर रहे हैं अभी। 22 का सही जवाब जो आ रहा है यह है चौथा, मूर्त सोच। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। पहला विभेदी अनुदेशन, दूसरा चयनित अनुदेशन, तीसरा सटीक शिक्षण, चौथा त्रुटिहीन अनुदेशन। क्वेश्चन ये रहा और ऑप्शन ये रहा, चार, कोई एक सही है जो कि आपको ढूंढना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही जवाब है इसमें से ढूंढना आपको। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं अभी 23। और 23 का जो सही जवाब आ रहा है ये आ रहा पहला, विभेदी अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। पहला अधिग्रहण, दूसरा अभिप्रेरण, तीसरा आत्मनिर्भरता, चौथा सामान्यकरण। चार ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर, कोई एक सही है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़िए और सही जवाब ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं हम लोग अभी, सही जवाब ढूंढना है आपको। 24 का जो सही जवाब है यह है चौथा नंबर, सामान्यकरण। क्वेश्चन नंबर 25, जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं, अन्योन्याश्रित, स्वतंत्र, अंतर संबंधित, एकीकृत। क्वेश्चन फिर से देखिए, जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, पहला अन्योन्याश्रित, दूसरा स्वतंत्र, तीसरा अंतर संबंधित, चौथा एकीकृत। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम लोग अभी 25। 25 का सही जवाब ढूंढना है, दूसरा जवाब इसका सही आ रहा है, स्वतंत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। पहला अनुकरण, दूसरा अवलोकन, तीसरा संशोधन, चौथा प्रतिरूपण। कोई एक जवाब सही है, वो सही जवाब तक आपको पहुंचना है। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षक की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई एक सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं अभी 26, और 26 का सही जवाब आ रहा है चौथा नंबर, यानी कि प्रतिरूपण। क्वेश्चन नंबर 27, मैन और जीनियस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं,
विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, इस उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। पहला चौकस, दूसरा सतर्क, तीसरा निवर्तमान, चौथा निरंकुश। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। पहला ऑप्शन चौकस, दूसरा सतर्क, तीसरा निवर्तमान, चौथा निरंकुश। सही जवाब ढूंढना आपको, कोई एक ही सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 27, और 27 का जो सही जवाब है यह है दूसरा, सतर्क। क्वेश्चन नंबर 28, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। पहला सृजनात्मक, दूसरा सौंदर्य बोध, तीसरा अमूर्त, चौथा तार्किक। कोई एक सही है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। कोई एक सही है, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। पहला सृजनात्मक, दूसरा सौंदर्य बोध, तीसरा अमूर्त, चौथा तार्किक। कोई एक सही है, वो सही कौन सा है ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 28। सही जवाब इसका आ रहा है चौथा, तार्किक। ये जवाब जो है चौथा नंबर, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 29, 29 का देखिए क्या है। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। पहला ड्रिल और अभ्यास कार्य, दूसरा उपभोक्ता प्रकार का कार्य, तीसरा निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, चौथा समस्यात्मक प्रकार का कार्य। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ढूंढना है सही जवाब। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, आप आपके स्क्रीन पर है। और ये चार ऑप्शन में से कोई एक सही है, उसी सही ऑप्शन तक हमें पहुंचना है। और सही जवाब है इसका 29 का, दूसरा सही है, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। ठीक है, ये जो दूसरा है ये आपका सही है, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। क्वेश्चन नंबर 30, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन गति बोधक, दूसरा कर्ण कोटर, तीसरा प्रत्यक्षीकरण, चौथा अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन आपके सामने है, दोबारा पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और इसका जवाब ढूंढिए। चार ऑप्शन आपके सामने है, ये है चार ऑप्शन, इसमें से सही जवाब कौन सा होगा ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 30, सही जवाब इसका है पहला, गतिबोधक। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज 30 क्वेश्चन किया। और आपका क्या स्कोर है, कितना आपने सही सही स्कोर किया, ये आपको हमें भेजना है। आपको क्या करना है, आप अपना नाम, किस स्टेट से बिलोंग करते हो आप और कितना स्कोर किया इस टेस्ट में, इसको आप भेजिए हमें। और यहाँ से क्या होता है कि जितने बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उसमें से जो बेहतर परफॉर्मेंस करता है तो उनको हम लोग यहाँ से सरप्राइज़ गिफ्ट भेजते हैं। तो इसमें उस सरप्राइज़ गिफ्ट लेने में आपका भी नाम आ सकता है, यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं कि आपको भेजना है आपका नाम, आपने आज के टेस्ट में जितना स्कोर किया सही और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप। ठीक है, तो ये एक टेस्ट था 30 क्वेश्चन का जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और आपके एग्जाम के लिए, कमिंग एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के और भी सेट हम करते हैं आगे। और यदि इस चैनल पर आप नए हो, पहली बार आए हो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के अपडेट आपको लगातार मिलते रहे। अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन रखिए ताकि हर अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। यहाँ पर देखिए टीचिंग, नॉन टीचिंग, डिफेंस, हर तरह के एग्जाम का यहाँ पर अपडेट होता रहता है। और यहाँ पर टेस्ट जो है ना, हम लोग फ्री में, हमारी टीम जो है इस टेस्ट को फ्री में तैयार करती है और आप लोगों तक पहुँचाती है। कुछ पूछना हो, कहना हो तो आप हमें कॉमेंट्स भी कर सकते हैं।
मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में जहाँ पर इस तरह के और भी क्वेश्चन सेट की हम बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।